गुड इवनिंग दोस्तों, लाइफ विद शंकर एंड प्रियंका में एक नई ब्लॉग के साथ आपका स्वागत है। और आज क्या बन रहा है आप तो सोच ही पा रहे हैं, बहुत ही स्पेशल एक इवनिंग स्नैक्स। चलिए देखते हैं वीडियो को पूरी तरह से। यहाँ पे देखिए मूंग दाल है, ये पारबॉइल किया हुआ है। देखिए ये तकरीबन हो चुका है कुक, तो इसमें मैंने सॉल्ट डाला था, इसको मैंने भिगोया था तकरीबन एक घंटा, फिर उसके बाद मैंने बॉईल किया। तो इस दाल को देख के आपके मन में क्या क्या सवाल आ रहा है कि मैं खिचड़ी बनाऊंगी। मैं बिल्कुल भी खिचड़ी नहीं बना रही हूँ, इससे मैं कुछ चटपटा सा चीज़ बनाने जा रही हूँ जिसको कहते हैं मूंग दाल का जो पूरी होता है या फिर खस्ता होता है, वो बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अदरक को कद्दूकस कर लिया है और यहाँ पे ग्रीन चिली है। जिन लोगों को थोड़ा सा तीखा पसंद कम है वो लोग कम डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। तो एक्चुअली कल हमारे घर में चिकन हुआ था तो मैंने बहुत सारा ड्राई चिली डाल दिया था, तो सब लोगों को बहुत मीन्स वो हॉट लग गया था उसको, तो मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी। तो अभी आते हैं खारे मसाले में। तो खारे मसाले में मैं क्या डालूंगी, मेरे पास है धनिया, ये धनिया मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून। धनिया का स्मेल बहुत अच्छा आता है। नहीं करना है वीडियो फोटोज का, ये गैस थोड़ा सा धीमे रखेंगे। इसको आप चाहे तो रोस्ट कर सकते हैं, मैंने रोस्ट नहीं किया है। मैं गैस ऑफ कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो ये सॉस पैन है ये गर्म हो चुका है। हाँ, इसमें धनिया है और थोड़ा सा मैं इसको फेनल कहते हैं, फेनल डालूंगी इसमें, और इसमें थोड़ा सा हम ब्लैक पेपर डालेंगे। ये मैंने थोड़ा सा हीट में रखा हुआ है ताकि वो क्रिस्पी दरदरा हो जाए, और इसको हम लोग पीस लेंगे हमारे मिक्सर ग्राइंडर में। ज्यादा इसको पाउडर नहीं करना है, इसका हम लोग थोड़ा सा पीसेस ऐसा कि क्वार्ट्स ग्राइंडिंग करना होगा इसको। ये देखिए क्वार्ट्स ग्राइंड है, बहुत अच्छा खुशबू इससे आ रहा है। इसमें जो फेनल और धनिया का जो सेंट है बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। इसको फिलहाल हम इसमें बंद करके रखेंगे, और इसके बाद जो बारी बारी हम लोगों का आता है वो आटा को नीट करना है। इस मैदा को नीट करेंगे कैसे वो भी दिखाते हैं। इसमें हम अब डालेंगे तकरीबन 2 कप मैदा। ओके, ब्लैक सीड्स डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। अभी तो हमें इसको पानी से नीट करना होगा। आप गर्म पानी यूज कर सकते हैं, मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी यूज करूँगी। की बोलो ये आटा मेरा नीट हो गया है मैदा। आप थोड़ा सा ऐसे 3-4 बार ऐसे कर लो। माँ এখানে ভিডিও করছি। मैंने मेरे हाथ में थोड़ा सा घी मैंने ब्रश कर लिया है। इसको ऐसा करके हमको एक भिगोया हुआ कपड़े से तकरीबन आधा घंटा से 1 घंटा तक इसको ऐसे रखना होगा। भीगा हुआ कॉटन और हैंकी से इसको मैंने रैप कर दिया है, तो अभी इसको हम छोड़ देंगे। घी गरम किए देते हैं।
स्वीट्स में हम जो स्टफिंग होगा वो स्टफिंग बनाने जा रहे हैं। ये एक्चुअली आज का खाना नहीं है, ये हम बना के रखेंगे, ये स्टोर कर सकते हैं। ओके, स्टोर करके इसको खा सकते हैं। तो इसमें हम हींग डालेंगे, कैच का हींग है ये, हींग डालेंगे इसमें। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम होल जीरा। हमारे पास जो हमने मसाले बनाए थे, ये जो साबुत धनिया, देन इसमें फेनल सीड्स या मोरिंग ये डाले हैं, इसको हम ऑयल में अभी देंगे। इस मसाले को आपको फ्राई करना है। ध्यान रखिएगा कि ये मसाले जल ना जाए। ये मसाले जब तक थोड़ा सा कुक हो जाता है, मैं चिमनी बंद करूंगी क्योंकि साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है। बहुत अच्छा से स्मेल आ रहा है। ये मसाले तकरीबन हो चुका है, तो इसमें हम अब डालेंगे अदरक और चिली। गैस को लो में रखिए। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है इससे। अभी हम इसमें मूंग का जो दाल रखा हुआ था स्ट्रेनर में, इसको हम इसमें डालेंगे। टिक्किया बनने जा रहे हैं, एक्चुअली नूडल का कचौरी बनने जा रहा है। वो जो खस्ता कचौरी होता है, गैस को धीमे में रखते रखते उसको चलाते जाना है। पाउडर डाला, और थोड़ा सा हम इसमें बहुत ही थोड़ा सा रेड चिली डालने वाले हैं। थोड़ा सा इसमें लास्ट में हम गरम मसाला डालेंगे। शुगर इसमें ऑप्शनल है, बट मैं मीठा रखना चाहती हूँ तो इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने आमचूर डाला हुआ है, तो थोड़ा सा इसको मीठा टोन देना चाहती हूँ। और इसमें हम लास्ट में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब थोड़ी देर और इसको चलाते जाना है। मेरा डो बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसको मैंने ऐसे कर लिया है एक कटोरी की तरह। इसमें हम ये जो स्टफिंग है इसमें भरेंगे, और इसको अच्छे से आपको सील करना होगा ताकि ये फट ना जाए। ये बिल्कुल भी छोटे छोटे जो पूड़ी होता है उसके जैसे ही होगा। फट जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तेल में पूरा वो दाल फैल जाएगा। ये मोमो की तरह आपको सील करना होगा।
अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं, कोई खास्ता कचौरी कितना पीसेस होगा? पता नहीं, तकरीबन 12 पीसेस का बन सकता है इससे। बंद कर दो। देखिए कचौड़ी कैसे ये ब्राउनिश कलर इसका पकड़ लिया है, तो बहुत ही लो फ्लेम में इसको तलना पड़ेगा ताकि ये ज़्यादा क्रिस्पी हो। एक का जो कलर ले लिया है, एक कचौड़ी बनने में आपको तकरीबन 10 मिनट लगेगा, तो यहाँ पे मेरा स्पेस है कढ़ाई का, तो मैं और एक कचौड़ी इसमें छोड़ने वाली हूँ। जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके और एक छोड़ देंगे। तो आप भी इस कचौड़ी को ट्राई कर सकते हैं, इसको हम मूंग दाल का कचौड़ी बोल सकते हैं, और इस कचौड़ी का आप चाट भी बना सकते हैं मिर्ची और चटनी के साथ खाने के लिए। फ्रेंड्स, अभी रात के 12 बज रहे हैं और मेरा कचौड़ी पकड़ा है फिलहाल। एक्चुअली मेरा बेटी को खिलाना था, मेरी बेटी को, तो इसलिए वो खा के 10:30 बजे सो गई। तो उसके बाद हम लोग कुछ खाना खाए, फ्रेंड रिस वगैरह खाए, खाने के बाद मैं कचौड़ियों को तल रही हूँ अभी। ये तकरीबन कचौड़ी तलने के लिए 10 से 12 मिनट टाइम देना होता है ताकि वो क्रिस्पी हो। मेरे पास मेरे हस्बैंड ऑलरेडी एक खा चुका है, ये देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी है और मैं इसको दबा नहीं पा रही हूँ, बहुत ही क्रंची भी है। इसको हम कल दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं और खाने वाले हैं। बहुत ही अच्छे धनिया का स्मेल आ रहा है इसमें से। तो ये रेसिपी बहुत ही ईजी है, आप लोग जानते भी हैं, तो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए। और मैं बहुत ही ईजी तरीके से इसको शेयर कर रही हूँ आपके साथ। Please do subscribe and share my channel's life with Shankar and Priyanka. Bye bye. Good night. See you tomorrow.